हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। और आज हम बात करेंगे कि अक्सर मोबाइलों के अंदर बैटरीज के इश्यूज आते हैं, उन मोबाइलों के अंदर के जिनकी बैटरीज बाहर निकल आती हैं तो उनकी बैटरीज के उनके इश्यूज आते हैं कि उनकी बैटरीज चार्ज तो होती हैं पर उन्हें जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं तो किसी भी वक्त बीच में ऑफ हो जाती हैं या चार्ज नहीं हो रही होती। उनको चार्जिंग के हवाले से बहुत से इश्यूज फेस करने को आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बैटरी के इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप अपनी बैटरी की लाइफ को कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसकी अगर हेल्थ अच्छी है तो उसके उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आपकी बैटरीज के अगर अंदर आपको कोई इश्यू फेस करने को आया तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पुराने मोबाइल जो थे, जितने भी उनके अंदर जो थी, आपको बैटरीज वगैरह बाहर निकालने के मिल जाती थी, यानी कि बैग वगैरह उतारो तो उनकी बैटरीज वगैरह बाहर आ जाती थी। पर अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं, आपने देखा है कि उनकी बैटरीज वगैरह नहीं निकलती, बिल्ट इन फिक्स है। उसका ये फायदा है कि आपको बैटरीज के इश्यूज बहुत बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब आपको बैटरीज के इश्यूज नहीं देखने, बैटरीज के इश्यूज ज्यादातर उन्हीं मोबाइल में आपको देखने को मिल रहे हैं कि जिनकी बैटरीज आप बाहर निकाल सकते थे। तो बैटरीज के इश्यूज में अगर आपकी बैटरी जो है की हेल्थ अच्छी है और आप उसे आपको वो शो करते हैं कि वो है तो फुल चार्ज पर, किसी भी वक्त बीच में ऑफ हो जाता है तो इसमें क्या मसला है। तो आप ये करें कि आप अपने मोबाइल को देखें कि वो यूज करें, वो अगर ऑफ हो जाता है उसे फिर ऑन करने की कोशिश करें, अगर वो ऑन नहीं होता उसे 3-4 बार ट्राई करें, अगर वो बिल्कुल शो यही करता है कि वो ऑन नहीं हो रहा तो उसे आप 12 घंटे चार्ज करें मोबाइल को अपने, या आप रात में भी कर सकते हैं जो आपको फ्री टाइम लगे। तो जब आप उसको चार्ज कर लेंगे तो उसको फुली चार्ज जब 100% हो जाए उसे फिर यूज करें, देखें वो कहां तक जाता है। अगर वो फिर दरमियान में ऑफ हो जाता है उसे फिर ऑन करने की कोशिश करें उसी तरह, अगर वो फिर नहीं होता इसी तरह 2 से 3 बार उसे ऑन करने की कोशिश करें, फिर उसे 12 घंटे चार्ज करें और फिर उसे यूज करके देखें कि क्या इसमें कोई आपको कोई तब्दीली आई है, क्या इसने बैटरी आपको जैसे 30% पे ऑफ हो रहा था तो शायद आप 20% पे ऑफ होना चाहिए कर जाए। तो इसी तरह आप 3 से 4 बार ये प्रोसेस को ट्राई करें, आप अपने मोबाइल को बार बार बैटरी को ये मसला क्यों फेस करने को आता है कि ये मसला ज्यादातर कोरियन मोबाइल या चाइना के मोबाइल में फेस करने को मिलता है आपको, कि जो चाइना के मोबाइल में होते हैं उनके अंदर ये बैटरीज वगैरह के मसले आते हैं, और ज्यादातर उन मोबाइल के जिनकी बैटरीज वगैरह बाहर निकल जाती है। आप जब मोबाइल की बैटरी वगैरह को निकालते हैं डायरेक्ट फोन को बंद किए वगैरह तो भी ये मसले पेश आ जाते हैं, क्योंकि उसका हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ इश्यू चल पड़ता है। तो बैटरी जो है वो एक हार्डवेयर है और उसने जो मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर OS जिसने बैटरी की जो हेल्थ वगैरह वो शो करवानी है आपकी स्क्रीन पे, यानी कि अगर बैटरी की हेल्थ वो शो कर रहा है कि 100% पर बैटरी की जो अंदर कैपेसिटी स्टोर हुई है वो कम है, यानी कि वो 30% है और आपको वो शो 100% कर रहा है और इसी वजह से आपको जो है फोन ऑफ हो जाता है कुछ देर बाद, 30% आप यूज करते हैं हालांकि 100% शो कर रहा था, 30% यूज करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इसे सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप अपने जो मोबाइल की बैटरी है उसे एक बारी फुल चार्ज कर ले, अगर उसके अंदर अभी चार्जर से अगर उसके अंदर भी चार्जिंग है उसे यूज कर ले और फुल जीरो कर दे, खत्म कर दे, यानी कि जहां पे वो ऑफ हो रहा है फुल जब उसे खत्म कर दे, बार बार ऑन करने की कोशिश करे, नहीं होता उसके बाद 12 घंटे उसको चार्ज करे, फुल चार्ज करे, उसके दरमियान यूज ना करे। जब आप 12 घंटे उसे चार्ज कर ले तो उसके बाद मोबाइल को यूज करें, यूज करने के बाद उसे फुल जीरो कर दे जहां तक वो जा रहा है, उसके बाद फिर 12 घंटे चार्ज करें और फिर उसे इसी तरह यूज करें और जीरो कर दें, और उसके बाद फिर तीसरी बारी उसे 12 घंटे चार्ज करें और उसे जीरो कर दें। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके वो जो मोबाइल की बैटरी जिसके जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी मोबाइल की कैपेसिटी स्टोर हो रही थी, जैसे 30% स्टोर हो रही थी और मोबाइल ऑफ हो जाता आप चार्जिंग पे लगा देते थे, उससे क्या होता था कि मोबाइल की जो बैटरी की हेल्थ थी वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कितने परसेंट बैटरी चाहिए, वो 30% लेती थी और 10% और लेके आपको फुल शो कर देती। तो जब आप बैटरी को पूरा ड्रेन करेंगे तो वो ये शो करेगा कि सॉफ्टवेयर में भी कि पूरा 0 से 100% तक बैटरी ड्रेन हो गई है, उसके बाद आप जब चार्ज करेंगे तो आपको इसमें काफी अच्छी बेहतरी नजर आएगी। मैंने ये तरीका ट्राई किया, मेरा पूरी तरह से जो बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई पर यह हुआ मेरे साथ कि बैटरी काफी अच्छी तरह इशू खत्म होने को आ गया और काफी देर तक निकालने लग गए। LG वगैरह या मेजो वगैरह के मोबाइल्स में अक्सर इस तरह के मसले आते हैं। तो आज की वीडियो यही थी कि बैटरी के इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आप कोई भी वीडियो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं किस तरह हूँ कि और न्यू लेटेस्ट वीडियोस बनाऊँ।
आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।